Six people have been arrested. Obviously, no one from the municipality. 18 children survived the tragedy. Hear from one of them. मेरा ना कुछ जाने ने नीचे चले गए ने मैं इकला था ने कुछ जन ऊपर आके बोट पकड़ ली ने हम बोट के ऊपर गए ने पाइप आई ने हम पाइप पकड़ के ऊपर आ गए। कितने बच्चे बिठाए थे अंदर? 30। 30 बच्चे बिठाए और टीचर्स कितने थे? 3। 3 टीचर्स थे। और जैकेट पहना है? तू जैकेट पहना था? नहीं पहना। पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे बोलते, और इन लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पहनाए थे बच्चों को, और 12 जन की नाव थी वो, तो लोग 27 जन टोटल बैठे थे। तो ये तो गलत है ना, छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, कितने बच्चे हमारे, तो हमारा एक बच्चा अब भी हो गया। द ऑपोजिशन पार्टी टू इन गुजरात इज कॉलिंग दिस अ मर्डर एंड दिस इज अ मर्डर। द कांग्रेस पार्टी इज इवन ब्रिंगिंग आउट अनदर फैक्ट। दे आर सेइंग द कॉन्ट्रैक्टर्स were allotted the project in 2016 despite their objections. And the objection was that a similar incident had happened in 1990 as well. Listen in. Basically, ये incident है वो मैं accident नहीं गिनती, हम लोग इसे एक act of murder गिन रहे हैं, और demand की है कि sitting judge ये पूरी episode की inquiry करे, और जो जो कसूरवार पाए जाए सभी पे मानव वध का जो क्रिमिनल केस है वो फाइल होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ शियर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। अगर आप देखोगे तो जो नियम है उसके हिसाब से लोगों को बिठाया नहीं गया, लाइफ जैकेट्स नहीं थे, 14 की कैपेसिटी की बोट में 28 लोग को बिठाना, लाइफ जैकेट के बिना बिठाना, लाइफ गार्ड नहीं होना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है।